NDTV spoke to Rameshwar Chaurasia, who was a veteran BJP leader and a multiple-term MLA previously. This election, he switched over to the LJP and is the party's candidate from Sasaram. Also listen to his answer for not wearing a mask. तो कार्यकर्ता जनता के प्रेशर के चलते हम लोजपा का टिकट लेकर के लड़े। हम तो लौटा भी चुके थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे। एक बार टिकट लिया, मैं लौटा भी दिया, आपने देखा होगा, आप लोग चलाए भी थे। लेकिन जनता का कार्यकर्ता का ऐसा प्रेशर होगा कि ये जिला ही अनाथ हो जाएगा। सर, आप अपने जगह नोखा को छोड़ करके और एक दूसरे जगह सासाराम से आप लड़ने, क्या वजह है? आप घूमेंगे तो नोखा में मैं अच्छा खासा विकास हो चुका है, कर चुका हूँ। सासाराम से मेरा इसलिए लगाव है कि रहता मैं सासाराम में ही हूँ। और सासाराम शेर शाह सूरी का कि जवनी जब मैं पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुआ बचपन में ही, कि खास करके शाहबाद से, खास करके रोहतास से, सासाराम से एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। अभी तक बिहार से भी कोई नहीं किया। और उसने ऐसा शासक रहा कि आप जीटी रोड देखिए, हर चीज सिस्टम को बदल दिया। सारी जनता से आप अपील कर रहे हैं कि मास्क पहन के आप वोट देने जाइए, आपने स्वयं मास्क नहीं पहन रखा। मास्क रखे ना, मास्क पहन के आपके इंटरव्यू के लिए नहीं है तो मास्क पहन के ही गए थे वोट देने। अब ऐसे घूमते अकेले तो मास्क की जरूरत नहीं है। और जन बूथ पर भी हमने देखा कि सब लोग मास्क पहन के दे रहे हैं, और जो भी बूथ पर जा रहे हैं उनको सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ग्लव्स भी। हम भी दे करके अभी देखे आए, वोट अपने यहाँ वोट दे करके आए। और ये व्यवस्था अच्छी है, चुनाव आयोग की व्यवस्था अच्छी है।